बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फरीदा खानम आज बहुत ही मज़ेदार चीज़ आपके साथ शेयर करने आई है, अपनी स्पेशल बिरयानी रेसिपी जो ज़्यादा स्पाइसी बनेगी और गुड लुकिंग। आप देखेंगे तो आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। ये बिरयानी आप जिसको भी बनाकर खिलाएंगे वो आपका मुरीद हो जाएगा, आपका दीवाना हो जाएगा। ये देखें जी, हमने मसाले आज इसमें खड़े ऐड नहीं करने बल्कि हम पीस के डालेंगे। हमारे पास दालचीनी है और जायफल है, काली मिर्च है, लौंग है और ज़ीरा है। ये तमाम चीज़ें हम पीस के डालेंगे और चिकन को कर लेंगे मैरिनेट। मसाले हमने पीस के रेडी कर लिए हैं और ये है हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट जो लाजमी जूस है इसका, जो इसके टेस्ट को बढ़ाएगा। और सब्ज मिर्च है कुटी हुई हमारे पास, और ये एक कप दही हम इस्तेमाल करेंगे चिकन को मैरिनेट करने के लिए। बड़ी मज़ेदार बिरयानी होने वाली है। ये है जी सफ़ेद सिरका हमारे पास, और ये स्पाइसेस और थोड़ा सा फूड कलर, हल्दी है, नमक है, मिर्च है, पिसा हुआ धनिया है और खूबसूरत कलर है फूड कलर, थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें, इसकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे। आपको पता है किसी भी डिश की खूबसूरती जो है वो पहले अहमियत रखती है। और ये जो मसाला हमने पीस के रखा था ये सारा इसमें ऐड कर लेंगे। 1 kg मेरे पास चिकन है जिसको हम धो के वाश करके बिल्कुल पानी उसका खुश कर लिया था, इसको अच्छा सा हमने मिक्स करना है ताकि ये तमाम मसाले हमारे अच्छे से इस गोश्त के अंदर जज़ब हो जाएं और ये ज़्यादा स्पाइसी और टेस्टी हो जाए। अच्छी तरह इसको मैरिनेट करके अब हम रख देंगे, ये करेगा रेस्ट, 1 घंटे के लिए छोड़ दें इसको। और आप प्याज काट के रखेंगे कढ़ाई में, 3 अदद हम प्याज लेंगे, ऑयल डालेंगे और प्याज़ों को करेंगे ब्राउन। खुशी से हंसते मुस्कुराते बड़े अच्छे खुशगवार मूड में हम अपनी स्पेशल बिरयानी बनाने जा रहे हैं, तो आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हफ्ते में मेरी सिर्फ 2 वीडियोज़ आती हैं, फुल वॉच कर लिया करें। और ये हमने एक प्याज जो है वो ब्राउन करके निकाल लिया है, इसको बाद में हम ऐड करेंगे, बाद में बताएंगे कि इसका क्या करना है आपने। और ये मैरिनेट किया हुआ चिकन हमारा, प्याज हमारे ब्राउन हो गए जितने हमें ब्राउन चाहिए थे। अब इसको डालेंगे और इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और इसमें मसाले जज़ब हो गए हैं। थोड़ा सा ये पानी जो कंघाल है ये ऐड करेंगे, ये हमारे रिस्क में बरकत लाता है और हमारी चीज़ को मसाले जो चिपके होते हैं डोंगे के साथ तो वो भी हम इस्तेमाल में ले आते हैं, ज़ाया नहीं जाते, कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, अल्लाह पाक हम सब के दस्तरखान भरे रखे हमेशा। चिकन को हमने अच्छी तरह भून लेना है, तब तक ये गल भी जाएगा और इसका एक अच्छा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। लेकिन चिकन हमारा कितने अच्छे से रेडी हो रहा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। घी छोड़ना शुरू कर दिया इसने, जब ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दी गोश्त तो समझो इसकी भुनाई जो है वो बहुत अच्छे से हो रही है। और इसको हमेशा मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हैं, कोई भी गोश्त हम बनाएं तो उसको फ्लेम को मीडियम ही रखना चाहिए भुनाई के टाइम पे। इस तरह हमारे जो गोश्त है उसका कलर भी अच्छा आता है और गल भी जाता है साथ साथ। जब तक ये गोश्त हम भुनाई करते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। तो जनाब रोज़ रोज़ तो मैं वीडियो डालती नहीं, हफ्ते में 1-2 वीडियो होती हैं तो फुल देख लिया करें। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छे से रेडी हो जाए। और अगर आपको चाहिए मेरी रेसिपीज़ और आपको पसंद आती हैं तो ज़रूर लाइक किया करें। गोश्त को इसको थोड़ी देर के लिए दम दे देंगे, ढांप देंगे, जितना पानी हमने ऐड किया है इसी में ये गल जाएगा। चावल तब तक हम बॉईल कर लेंगे, पानी को रखेंगे, दुगना हमने पानी लिया है, 1 किलो चावल थे तो 2 किलो हमने इसमें 2 लीटर पानी डाला है, दुगना पानी लेंगे। और मसाले इसमें ऐड करेंगे, लौंग है, दालचीनी है और बड़ी इलायची है, ये इसमें ऐड कर देंगे और पानी को आने देंगे बॉयल। और सफ़ेद सिरका डालेंगे 1 चम्मच, इससे चावल हमारे खिले खिले बनेंगे, अलग अलग होते हैं बिल्कुल। और थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे, 2 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे इस पानी में,
जिसमें हमने चावल बॉईल करने हैं। चावल हमने पहले एक घंटा पहले भगो कर रख दिए थे। ये देखें चावल हमारे रेडी हैं, पानी को बॉईल आ चुका है। अब चावल अपने डाल देंगे इसमें और एक कनिया रह जाए जब तब हम चावलों को निचोड़ लेंगे। अच्छी क्वालिटी के चावल हमेशा इस्तेमाल करें। मैंने बासमती चावल लिए हैं, आप कोई भी चावल लें। अच्छी क्वालिटी के बिरयानी के लिए हमेशा चावल इस्तेमाल करें। ये देखें एक कनी रह गई है, चावल हमारे रेडी हो गए हैं। चेक करके देख लें और ये बिल्कुल रेडी हैं हमारे चावल। अब हम इनके ये देखें थोड़े से चावल निकाल के अलग कर लेंगे, इनको बाद में हम ऐड करेंगे और लेयर लगा देंगे जो हमने चिकन रेडी करके रखा था। इस तरह चावलों के ऊपर फैलाएंगे। ये देखें जो चावल हमने बचाए थे अब इसके ऊपर डाल देंगे। तमाम चावल फैलाकर बाकी जो हमारे पास चीज़ें थी वो इसमें ऐड करेंगे। जैसे हमने प्याज ब्राउन करके जो निकाला था वो तमाम इसके ऊपर डाल लेंगे इस वक्त पे। प्याज तमाम हमने इसके ऊपर डाल दिया, ऐड कर दिया है। सब्ज धनिया डालेंगे। आप किसी भी चीज़ से गार्निश करना चाहें, जैसे सब्ज मिर्च है, ब्राउन प्याज है, जो आपको पसंद हो आप इसको गार्निश कर लें दम लगाने से पहले। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारे चावल जो हैं रेडी हैं दम लगाने के लिए। और अब डालेंगे इस पर कलर, थोड़ा सा थोड़े से पानी में घोल के कलर को इस तरह डाल देंगे वक्फे वक्फे से, सारे पे नहीं फैलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करेंगे ताकि इससे हमारा बिरयानी का जो कलर है वो बहुत खूबसूरत आएगा। और अभी जो बाकी चिकन बच गया था उसको मसाले समेत हम इसके ऊपर लेयर लगा देंगे। ये देखें इस तरह। और ये डालेंगे देसी घी, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी इससे अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इसको स्किप कर दें, नहीं है घी कोई मसला नहीं। और इसको लगाएंगे हम 10 से 12 मिनट दम। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खूबसूरती आप चेक करें। और ये देखने में इतनी खूबसूरती स्पाइसी लग रही है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें एक एक चावल इसका खिला खिला बना है, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की नेमतें हमारे लिए, शुक्र अदा करते रहें हर वक्त उसकी नेम। तो भाई देखिए एक एक चावल बिल्कुल अलग अलग खिला खिला बना है। अब इसको इस तरीके से चम्मच को ऐसे घुमाना नहीं है बल्कि बड़ी एहतियात के साथ हम इसको मिक्स करेंगे इसी तरह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर ली अपनी बिरयानी, मज़ेदार स्पाइसी और देखने में भी बहुत ज़बरदस्त और खाने में कहीं ज़्यादा ये टेस्टी है और बड़ी आसानी से बन जाती है, कोई मसला नहीं है इसमें। हमने अपना लंच रेडी कर लिया है, मेरे पास चिकन और आलू के कटलेट्स और ये रायता सलाद इसके साथ मैंने बना लिया है। और आप भी बनाएं खाएं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फरीदा खानम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जूंदे वस्ते रहो और जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो सजा के अच्छी तरह पेश करेंगे तो खाने वालों को और मज़ा आएगा। अल्लाह हाफिज़।